हे हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा यादव एंड आई होप यू ऑल स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड वेलकम वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स। एंड दिस इज आवर सेकंड सेशन इन विच वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स, मीन्स द फर्स्ट यूनिट ऑफ द क्लास 10th एंड द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी इज लाइफ प्रोसेसेस। सो इन दिस सेशन वी डिस्कस अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स। Today we discuss about these topic. In this session, we discuss all the topics like definition of the life processes. After that, we discuss nutrition, means what is nutrition, types of nutrition, mode of nutrition. And in this session, we also discuss about photosynthesis and opening and closing of stomata. Here, stomata is responsible for photosynthesis. So we discuss about stomata, and at the end of the session we discuss about the quiz to understand your knowledge, to understand or to test your knowledge. So let's get started with life processes. So first of all, what is life processes? Life processes are all the functions and the process that happens and happening in your body to maintain their life on this earth. Means जो भी functions हैं हमारी body में होते हैं या फिर हो रहे हैं, all comes under life processes to maintain their life on this earth. Means इस earth के ऊपर हमें survive कराने करने में जो help कर रहा है वो all those functions are life processes. And these functions are like nutrition. Nutrition में क्या होता है, we take food from the surrounding, from our surrounding, means we take food from plants, animals, and plants food, prepare their food from the sunlight and water and CO2. After that, respiration and digestion में क्या होता है, the food that we take from surrounding is यहाँ पे क्या होता है, जो food हमने intake किया है अपने surrounding से वो change होता है energy के अंदर. रिस्परेशन एंड डाइजेशन में जो फूड है वो चेंज होता है, यहाँ पे जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है. आफ्टर डाइजेशन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम डाइजेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है. सो जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में, एंड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज के पास वो फूड जाता है, जहाँ पे वो हमारी बॉडी है उसको यूज करती है फॉर मेकिंग एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग एंड मैनी अदर फंक्शंस ऑफ द बॉडी. एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन टेक प्लेस. एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है जो अपनी हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं है वो एक्सक्रीट आउट होता है फ्रॉम आर बॉडी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन. एंड हेयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंटेन देयर लाइफ, बिकॉज ड्यू टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ड्यू टू मूवमेंट वी एस्केप योर सेल्फ फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन और द चेंज इन द एनवायरमेंट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो एनवायरमेंट में चेंज होते हैं उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अर्जेंट वेरी इज वेरी नेसेसरी. सो दैट्स व्हाई दिस इज कम्स अंडर लाइफ प्रोसेसेस. एंड एट द एंड ग्रोथ. ग्रोथ इज आल्सो कम्स अंडर लाइफ प्रोसेसेस, बिकॉज स्मॉलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म होता है उसको बिगर बनने के लिए वी नीड ग्रोथ. सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर your life. After that we talk about nutrition. So here we talk about nutrition. So first we need to know about the difference between the nutrients and the nutrition. So first of all, tell me what is nutrients. So nutrients kya hote hain, basically foods hote hain. Simply jo foods hote hain hum apne surround se intake karte hain to stay alive is known as nutrients. Means nutrition is a food or substance that are taken from your surrounding by an organism to stay alive is nutrition.
एंड द न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन एंड यूटिलाइज इट। हम इसको इनटेक करके, हम जो फूड है, जो सब्सटेंस है सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में, उसको इनटेक करते हैं एंड देन यूज इट टू यूज इन टू योर बॉडी टू मेंटेन योर लाइफ, मीन्स फॉर मेकिंग एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग। सो हेयर यू इजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द न्यूट्रेंट्स एंड न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रेंट्स है वो कॉमनली फूड्स होते हैं, जो फूड होते हैं जो हम अपने सराउंडिंग से इनटेक करते हैं, और जो न्यूट्रिशन होता है उस फूड को इनटेक करना एंड देन यूटिलाइज इट फॉर फुलफिल योर बॉडी नीड्स, लाइक फॉर एनर्जी, फॉर मेकिंग एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग। सो दिस इज न्यूट्रिशन। एंड आफ्टर दैट, वाई वी नीड गुड न्यूट्रिशन, वाई वी नीड गुड न्यूट्रिशन, वी नीड गुड न्यूट्रिशन फॉर सर्वाइवल, फॉर फिजिकल ग्रोथ, फॉर बेटर मेंटल डेवलपमेंट एंड फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड मेंटेनिंग हेल्थ एंड वेलबींग। वी नीड गुड न्यूट्रिशन फॉर ऑल दोज फंक्शंस। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट टाइप्स एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो जो अपना फूड है वो कैसे इनटेक करते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं टू फुलफिल द नीड्स ऑफ आर बॉडी। सो हेयर वी डिस्कस अबाउट दैट। सो न्यूट्रिशंस आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोप्स एंड सेकेंड वन इज हिटरोट्रोप्स। सो वट इज ऑटोट्रोप्स? हेयर ऑटोट्रोप्स मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोप्स मीन्स न्यूट्रिशन और फूड। सो वट आर ऑटोट्रोप्स? सो जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर फूड बाय देयर ओन। मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, मीन्स जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करता है, अपने आप प्रिपेयर करता है विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, आर कम्स अंडर ऑटोट्रोप्स। लाइक प्लांट्स, प्लांट्स है अपना फूड कहाँ से लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं एंड अपना प्रिपेयर करते हैं फूड। आफ्टर दैट हिटरोट्रोप्स, हिटरोट्रोप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स ऑन अदर टू गेट देयर फूड्स, टू गेट देयर फूड। सो हिटरोट्रोप्स के अंदर ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ये क्या करते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। लाइक जो ह्यूमंस है वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, वो अपना फूड लेते हैं एनिमल से लेते हैं, लाइक काऊ से, बफेलो से, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो यहाँ से लेते हैं, लाइक मीट लेते हैं एनिमल से। आफ्टर दैट वी टेक वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। सो ह्यूमंस है कम्स अंडर हिटरोट्रोप्स बिकॉज दे गेट देयर फूड फ्रॉम द अदर्स। आफ्टर दैट वी डिस्कस ऑटोट्रोप्स इन डिटेल। सो हेयर वी डिस्कस प्रीवियसली, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोप्स मीन्स फीड और फूड। सो ऑटोट्रोप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हु मेक्स देयर फूड बाय इट्सेल्फ बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को यूज करके जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं आर नोन एज ऑटोट्रोप्स। एंड हेयर ऑटोट्रोप्स आर फर्दर डिवाइड इन टू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रोप्स एंड सेकेंड वन इज कीमो ऑटोट्रोप्स। सो फोटो ऑटोट्रोप्स मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर देयर फूड, हु प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई यूजिंग लाइट एनर्जी। एंड फोटो मीन्स लाइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट फोटो ऑटोट्रोप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई यूजिंग लाइट एनर्जी। एंड हेयर कीमो मीन्स केमिकल। सो दोज ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ओन फूड बाई यूजिंग केमिकल रिएक्शंस आर कम्स अंडर कीमो ऑटोट्रोप्स। एंड हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोप्स। लाइक प्लांट्स, प्लांट्स है अपना फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते अपने फूड के लिए, दैट्स व्हाई प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। बैक्टीरिया एंड एल्गी ऑल्सो कम्स अंडर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड एल्गी इज ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
सो एंड इन दिस स्लाइड वी डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस. सो वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड हियर वी डिस्कस अबाउट दैट हाउ द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वी नीड टू नो दैट जो प्लांट्स होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या उनको जरूरत पड़ती है. सो जो फोर फैक्टर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फोर फैक्टर्स हैं नेसेसरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं फॉर कंडक्टिंग फोटोसिंथेसिस. एंड दोज फोर फैक्टर्स आर सनलाइट, यस, सेकंड वन इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज क्लोरोफिल एज अ पिगमेंट, एंड फोर्थ वन इज वॉटर. सो ऑल दीज फोर फैक्टर्स नीड्स रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस. एंड फ्रॉम फोर द CO2 एंड वॉटर कंसिडर्ड एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो यहाँ पे चार फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होते हैं. फर्स्ट वन इज सनलाइट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर. एंड जो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है कंसिडर्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. आफ्टर दैट क्या करते हैं, जो सनलाइट है लाइक ये प्लांट है, लाइक दिस इज प्लांट एंड ये प्लांट्स रूट है, यहाँ पे लीव्स है यहाँ पे. सो फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट सनलाइट, दे गेट सनलाइट फ्रॉम सन, यहाँ से उसने सनलाइट ली. आफ्टर दैट वॉटर है, दे अब्जॉर्ब वॉटर फ्रॉम सोइल बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस. उन्होंने जो वॉटर है वो एब्जॉर्ब किया सोइल के थ्रू. एंड क्लोरोफिल ऑल्सो, क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स. एंड द CO2, प्लांट्स गेट CO2 फ्रॉम एनवायरमेंट. सो यहाँ पे प्लांट्स ने चारों, जो चार मेन फैक्टर्स थे फोटोसिंथेसिस के लिए उसने ले लिए हैं. उसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है. एंड फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है मीन्स जो सन से सनलाइट आई उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना फोटोसिंथेसिस है. सो लाइट एनर्जी सनलाइट हो गई, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी. इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी मीन्स लाइट एनर्जी इज सनलाइट, सनलाइट चेंज इनटू केमिकल एनर्जी मीन्स ग्लूकोज. जो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जो हमारे प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस से एज ए फूड बनाते हैं इज ग्लूकोज. वो क्या होता है, ग्लूकोज. सो हियर फोटोसिंथेसिस, सो हेयर देर आर थ्री मेन स्टेप दैट कंडक्टेड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस आर, थ्री मेन स्टेप्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, जो सनलाइट, जो सन से सनलाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है वो उनको एब्जॉर्ब करता है. आफ्टर दैट जो सनलाइट है एब्जॉर्प्शन के बाद उसको चेंज किया जाता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है. एंड आफ्टर चेंजिंग जो H2O है उसने अपनी रूट से लिया है उसको, वो चेंज हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और O2 के अंदर. एंड दिस ऑक्सीजन वी यूज फॉर ब्रीदिंग. सो जो प्लांट से हमें फोटोसिंथेसिस के टाइम जो ऑक्सीजन है प्लांट से एक्जेल करते हैं, वो ऑक्सीजन वी यूज फॉर ब्रीदिंग, हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं.
आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट, सो ये आपका फोटोसिंथेसिस हो गया. फोटोसिंथेसिस कॉमनली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में. लाइट एनर्जी गेट फ्रॉम सन मीन्स सनलाइट इज द लाइट एनर्जी एंड इट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी मीन्स द फूड ऑफ द प्लांट्स मीन्स ग्लूकोज. सो ग्लूकोज इज द केमिकल एनर्जी एंड दीज आर द थ्री मेन स्टेप्स दैट कंडक्टेड इन फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट आर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, आफ्टर दैट लाइट एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी एंड द वॉटर ब्रेक्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन वी यूज फॉर ब्रीदिंग. After that, one main point that you always remember that the photosynthesis process is happened in chloroplast is a part of leaves. Chloroplast are present in leaves. So always remember that the site of photosynthesis. If someone asked you what is the site where the photosynthesis take place, so your answer will be chloroplast. Okay, get it? After that, here we discuss about stomata. So stomata क्या होता है, stomata क्या होता है, जो plants में leaves होते हैं उनके ऊपर small small pores होते हैं, leaves के ऊपर pores होते हैं. And these pores is known as stoma. And the plural form of stoma is stomata. So, जो single pore होता है उसको हम stoma बोलते हैं. And the number of stoma और number of pores we known as stomata. So, eminent pores on leaf or stem that is responsible for transpiration and photosynthesis is known as stoma. And after that we discuss about the closing and opening of stomata. So the closing and opening of stomata depends upon the guard cell, means the closing and opening of stomata regulated by guard cells. So first here you can see the structure of stomata. This is the stomata. Here this is the stomata. This is the stoma and stomata. इसके अंदर these kidney like cells are guard cells. Guard cells. These kidney like cells are guard cells and these guard cells are responsible for closing and opening of stomata. So always remember that during day time the stomata है open रहता है, open रहता है and at night stomata always closes. After that, अगर stomata day time पे open रहता है, that's why जो photosynthesis होती है वो भी day time पे होती है. Photosynthesis plant में कब होती है? Day time के ऊपर, day time में. So here we discuss that the closing and opening of stomata. So now we discuss जो stomata है वो open and close कैसे होते हैं. So first of all we discuss here open stomata means turgid guard cells. Turgid guard cells होते हैं उनकी वजह से जो stomata है वो open होते हैं और जब guard cell है shrink हो जाते हैं तो stomata close हो जाते हैं. तो हम पढ़ेंगे कि कैसे जो सेल्स है गार्ड सेल्स है वो स्वेल होते हैं एंड कैसे श्रिंक होते हैं जिसकी वजह से जो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है. तो हेयर यू कैन सी दैट हेयर दिस इज स्टोमेटा एट डे टाइम व्हाट हैपन एट डे टाइम व्हाट हैपन वी ऑल नो दैट डे टाइम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. फोटोसिंथेसिस होगी तो दे मेक देयर ओन फूड, दे मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाएंगे एंड योर फूड एंड देयर फूड इज ग्लूकोज. जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, वो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर. क्या होता है, सोल्यूबल होता है. सोल्यूबल होगा तो क्या होगा, अगर वो ग्लूकोज है सोल्यूबल है वाटर के अंदर तो व्हाट हैपन, सोल्यूबल हो जाएगा तो मींस जो कंसंट्रेशन है हमारी
ग्लूकोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट अबाउट सोल्यूट एंड द सोलवेंट. सो सोल्यूट क्या होते हैं? सोल्यूट्स आर सोलिड पार्टिकल्स एंड सोलवेंट आर लिक्विड. सो हेयर जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाया प्लांट्स में, वो क्या हुआ? सोलिड्स हुए. अगर वो जो ग्लूकोज होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, मीन्स वो इजीली उसके अंदर घुल जाता है. तो क्या होगा? जो गार्ड सेल के अंदर वाटर है उसमें क्या होगा? जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हुई, दैट मीन्स जो सोलवेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज होगी तो क्या होगा? डू यू नो अबाउट ओस्मोसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ओस्मोसिस. ओस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सोलवेंट्स मीन्स लिक्विड पार्टिकल मीन्स वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. कहाँ से? फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. लोअर कंसेंट्रेशन वाटर की जो मूवमेंट होगी वो हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होगी. सो दिस इज ओस्मोसिस. सो यहाँ पे हम देखेंगे डे टाइम के अंदर क्या होगा. जो प्लांट्स है उन्होंने अपना फूड प्रिपेयर किया ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज इज सोल्यूबल इन वाटर. दैट्स वाई जो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है गार्ड सेल्स में वो इंक्रीज हो जाएगी. एंड अगर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स सोलवेंट मीन्स वाटर की कंसेंट्रेशन कम होगी हमारे गार्ड सेल्स में. सो थ्रू ओस्मोसिस क्या होगा? जो वाटर कंटेंट है वो हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन फ्लो करेगा. सो टेल मी, वाटर की हाइयर कंसेंट्रेशन कहाँ है? गार्ड सेल में तो वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो गई क्योंकि ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन वहाँ पे हाई है. तो वाटर की कंसेंट्रेशन सराउंडिंग सेल में हाई हो गई, मीन्स सराउंडिंग सेल से वाटर है वो कहाँ जाएगा? गार्ड सेल्स में जाएगा. गार्ड सेल्स में वोटर जाएगा तो क्या होगा? जो गार्ड सेल है वो स्वेल हो जाएंगे. स्वेल होंगे तो मीन्स दे बिकम टर्जिड. एंड मैंने क्या बताया था आपको पहले? अगर जो सेल्स है वो टर्जिड है तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे. सो डे टाइम के अंदर स्टोमेटा ओपन होते हैं बिकॉज जो गार्ड सेल्स होते हैं वो टर्जिड होते हैं. एंड ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा? जो वाटर और CO2 है, जो गार्ड सेल है, जो स्टोमेटा है, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. तो उनको CO2 एंड वाटर है रॉ मटेरियल की तरह फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए होता है. सो क्या करें? इंटेक करेंगे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड जो O2 है उसको बाहर एक्जेल करेंगे पास आउटसाइड. दैट्स वाई जो डे टाइम में हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो फोटोसिंथेसिस की तरफ की वजह से मिलती है, जिसे हम ब्रीदिंग में यूज करते हैं. सो आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट नाइट. नाइट में क्या होता है? नाइट में क्या होता है? जो स्टोमेटा है वो क्लोज होते हैं. एंड क्यों क्लोज होते हैं? वी डिस्कस हियर. जो फूड प्लांट ने बनाए वो उस फूड को स्टोर करेगा प्लांट अपने अंदर एज ए स्टार्च. स्टार्च की तरह उसको स्टोर करता है. स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स अपने फूड को स्टोर करते हैं. एंड दिस स्टार्च इज इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन वाटर. अगर ये स्टार्च इनसोल्यूबल है वाटर में तो क्या होगा? इनसोल्यूबल है तो वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे. डिजोल्व नहीं होंगे तो मीन्स वाटर की कंसेंट्रेशन गार्ड सेल में, यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन गार्ड सेल में हाई होगी. हाई होगी दैट मीन्स तो वाटर कहाँ से मूव करेगा? वाटर मूव करेगा फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. जो ऑस्मोसिस होती है उसमें करता है हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. तो इसमें भी नाइट टाइम में भी क्या करेगा? जो वाटर मूव करेगा हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. सो टेल मी, हाइयर कंसेंट्रेशन नाइट टाइम में कहाँ होती है? गार्ड सेल्स में कंसेंट्रेशन हाई होती है. दैट्स वाई हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मीन्स जो गार्ड सेल से वाटर मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल्स, मीन्स जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनमें वाटर मूव करेगा. एंड अगर वाटर है गार्ड सेल से बाहर की तरफ मूव करते हैं तो जिसकी क्या होगा? जो गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाएंगे. श्रिंक होंगे मीन्स सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमेटा क्लोज. सो
ये रीजन था स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के पीछे। मीन्स जो स्टोमेटा है वो डे टाइम में ओपन क्यों होता है एंड नाइट टाइम में क्लोज क्यों हो जाता है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट हिटरोट्रोप्स। मीन्स हिटरोट्रोप्स, हिटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हियर व्हाट डू यू मीन बाय हिटरोट्रोप्स? हिटरोट्रोप्स मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स ऑन अदर टू गेट देयर फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और वो अपना फूड किसी और से बनवाते हैं और उससे ऑब्टेन करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अंडर आर कम्स अंडर हिटरोट्रोप्स। सो डिपेंड्स ऑन अदर टू गेट देयर फूड एंड दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। मीन्स वो अपना खाना खुद से ना बना के किसी आउटसाइड सोर्स से अपना खाना लेते हैं, लाइक ह्यूमन। एंड इन फूड चेन हिटरोट्रोप्स नोन एज कंज्यूमर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो फूड चेन पिरामिड। सो दिस इज अ पिरामिड एंड दिस इज अ पिरामिड ऑफ फूड चेन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर्स दोज हु डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स। एंड आफ्टर दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आते हैं एंड टर्शरी प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्राइमरी जो प्रोड्यूस कंज्यूमर्स होते हैं वो डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स डिपेंड्स अपॉन सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉर देयर फूड। सो दिस इज फूड चेन पिरामिड। सो फ्रॉम हेयर यू गेट दैट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हिटरोट्रोप्स होते हैं, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। सो हेयर हिटरोट्रोप्स आर फर्दर डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइट्स, सेकंड वन इज पैरासाइट्स एंड थर्ड वन इज होलोजोइक्स। सो फर्दर वी डिस्कस अबाउट दीज थ्री टाइप्स इन डिटेल्स। द टाइप्स ऑफ हिटरोट्रोप्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ हिटरोट्रोप्स एंड वी डिस्कस दीज इन डिटेल हेयर। सेप्रोफाइट्स, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सेप्रोफाइट्स। सो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। मीन्स जो अपना फूड किसी डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है। मीन्स जो अपना फूड किसी डेड ऑर्गेनिजम या थिंग्स या सब्सटेंसेस से लेते हैं, ऑल कम्स अंडर सेप्रोफाइट्स। हैव यू नोटिस दैट जब आपने अपने घर में ब्रेड्स है वो बहुत दिन तक बाहर छोड़ देते हो आप, तो क्या होता है, उसके ऊपर फंगस है वो लग जाती है। एंड दिस फंक्शन फंगस इज सेप्रोफाइटिक इन नेचर। ब्रेड मोल्डिंग आपने देखी होगी अपने घर में, जब आप ब्रेड को बहुत टाइम तक बाहर छोड़ देते हो तो उसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक सी लेयर है वो आपको दिखती है। एंड दिस इज फंगस, जो ब्रेड के ऊपर ये फंगस है, फंगस लग जाती है। जो फंग दैट मीन्स फंगस इज सेप्रोफाइट्स, बिकॉज ये डेड है, ब्रेड है वो डेड है, उसके अंदर वो लाइव नहीं है और वो डिके हो रहा है, और उसके फंगस है वहां से अपना फूड ले रही है। दैट मीन्स फंगस इज सेप्रोफाइटिक। सो गेट इट, वट आर सेप्रोफाइटिक? जो अपना फूड किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले, लाइक ब्रेड मोल्डिंग। लाइक एग्जाम्पल इज ब्रेड मोल्डिंग, एंड ऑन ब्रेड इन ब्रेड मोल्डिंग फंगस गेट देयर फूड फ्रॉम द ब्रेड। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट पैरासाइट। वी टॉक अबाउट पैरासाइट। सो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द लिविंग बॉडी। क्या करते हैं वो, जो पैरासाइट्स है वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाके रहने लगते हैं और अपना फूड है वहां से लेते हैं। आपने कभी किसी के बालों में लाइसिस देखी होंगी,
दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज, आपने कभी सुना होगा कि किसी के पेट के अंदर कीड़े हो गए हैं, वो जो दोज जो कीड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैरासाइटिक होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे गट के अंदर बैठ के, हमारे एब्डोमन में बैठ के हमसे अपना फूड लेते हैं और अपने न्यूट्रिशन है वो लेते हैं। हेयर यू कैन सी टैप वोम, दिस इज टैप वोम। और ये कहाँ रहते हैं, हमारे गट में रहते हैं। क्या करते हैं, हमारा हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं अपना, और अपने अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं। सो पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड विदाउट हार्म देम। उनको जो पैरासाइट्स है वो उनको बिना हार्म किए उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और अपनी लाइफ को मेंटेन रखते हैं। सो दोज ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट एंड द एग्जाम्पल इज लाइसिस एंड टैपवर्म। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट होलोजोइक हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज द टाइप ऑफ हिट्रोट्रोप्स। एंड इसके अंदर क्या होता है, जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो इंजेस्ट करते हैं। आफ्टर इंजेशन उनका डाइजेशन होता है इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड जो डाइजेस्टेड फूड होता है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी एंड कंडक्ट फंक्शंस हमारी बॉडी में फंक्शंस है वो कंडक्ट करता है। ह्यूमन के अंदर ऐसा ही होता है। ह्यूमन क्या करते हैं, फर्स्ट दे गेट फूड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड आफ्टर दैट द फूड इज डाइजेस्टेड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन, एंड आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड द फूड इज रीचिंग एट द सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम वेयर द सेल गेट द एनर्जी फॉर फर्दर फंक्शनिंग। सो ह्यूमन इज द एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द मंकीज द एनिमल्स द काउ बेफेलोज द ह्यूमन्स ऑल कम्स अंडर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। सो हेयर वी टॉक अबाउट अमीबा। अमीबा अमीबा क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यू should know that amoeba has holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition here. The mode of nutrition of amoeba is holozoic, and is ये holozoic is a type of heterotrophic mode of nutrition. So holozoic हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा का। इसके अंदर क्या होता है, वो कैसे है अपने फूड को इंटेक करता है एंड कैसे उसको डाइजेस्ट करता है, वी टॉक अबाउट दैट। लाइक दिस इज अमीबा। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज फाइव स्टेप्स आर हैपन इन द बॉडी ऑफ अमीबा टू गेट न्यूट्रिशन और टू गेट एनर्जी। सो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन इज सिंपली फीड सब्सटेंसेस फ्रॉम योर सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग। मीन्स इंजेशन में क्या होता है, वो जो फूड है वो अपनी बॉडी में इनटेक करता है, एंड जो अमीबा है वो कैसे इनटेक करता है फूड को, थ्रू देयर फॉल्स फीट होते हैं, उनसे फूड को पकड़ के अपने अंदर इनगल्फ करते हैं। एंड दोज फॉल्स फीट नोन एज सूडोपोडिया सूडोपोडिया। सो सूडोपोडिया के थ्रू, जैसे ये कोई जैसे अमीबा के पास कोई भी फूड आता है तो क्या करता है, ये सूडोपोडियाज के थ्रू उसको कैच करता है एंड देन इनगल्फ इनटू द बॉडी। एंड द इनगल्फिंग प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आफ्टर इनगल्फिंग एंड द फूड रीच इन टू द बॉडी ऑफ द अमीबा, वट हैपन, दीज आर द फूड वैक्यूल्स एंड दीज फूड वैक्यूल्स आर फिल विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। फिल विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो फूड वैक्यूल्स जो अमीबा की बॉडी में होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो हेयर डाइजेशन टेक प्लेस, मीन सेकेंड स्टेप टेक प्लेस, डाइजेशन टेक प्लेस। आफ्टर डाइजेशन क्या होता है,
जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा की बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होता है एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन, दिस सर्कुलेशन इज एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द बॉडी, सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, जो अंडा जो डाइजेस्टेड फूड था वो थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होता है एंड दिस स्टेप इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। आफ्टर सर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन व्हाट हैपन, जो फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास, जो अमीबा के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उनके पास जाता है और वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं एंड द अमीबा यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर द ग्रोथ, फॉर मेकिंग एनर्जी, फॉर फंक्शनिंग एंड फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिपेयरिंग। सो जो एनर्जी है, जो एनर्जी है, जो फूड से एनर्जी मिली उसको उसको यूज करना इज नोन एज एसिमिलेशन। अमीबा ने जो एनर्जी है उसको यूज किया अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर फंक्शनिंग। सो दिस यूटिलेशन इज नोन एज एसिमिलेशन। जो यूज हुआ एनर्जी का उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। आफ्टर दैट इजेक्शन मीन्स एक्सक्रेशन। इजेक्शन में क्या होता है, जो अमीबा है उसने डाइजेस्टेड फूड और जो इम्पोर्टेंट और जो नेसेसरी फूड था वो यूज किया फॉर मेकिंग एनर्जी और फॉर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो अननेसेसरी फूड, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उनको अमीबा है वो एक्सक्रीट आउट करता है, मीन्स रिमूव करता है अपनी बॉडी से, रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्किन। सो अमीबा कैसे रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से, स्किन के थ्रू, या फिर ये इनके बॉडी में रप्चरिंग होती है उसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव होते हैं फ्रॉम द अमीबा बॉडी। सो दीज आर द 5 स्टेप्स दैट परफॉर्म इन अमीबा एंड दीज स्टेप्स आर इजेक्शन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शंस। सो आफ्टर दैट वी टॉक, सो योर टॉपिक इज कंप्लीटेड हेयर एंड दिस टाइम इज क्विज टाइम। सो चैलेंज योर सेल्फ टू कीप लर्निंग मीन्स अगर आपने अपने आप को टेस्ट करना छोड़ दिया तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। सो कीप, सो ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ टू नो योर अंडरस्टैंडिंग। आपने कितना जाना कितना समझा ये जानने के लिए आपको अपने आप को चैलेंज करना जरूरी है। सो हम चैलेंज कैसे करेंगे, थ्रू अ स्मॉल टेस्ट और क्विज सेशन। सो दिस इज योर क्विज सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकेंड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फोर्थ वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इनमें से कौन सा सिस्टम ऐसा है जो नेसेसरी नहीं है, हम मीन्स अगर हम उसको ना भी करें तो भी हम अपनी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। सो विच वन, दिस इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट नेसेसरी लाइफ प्रोसेस, नेसेसरी लाइफ प्रोसेस नहीं है, हम इसके बिना अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, हम लाइव रह सकते हैं। दैट्स वाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज योर आंसर। आफ्टर दैट ऑटोट्रोप्स मीन्स वी डिस्कस प्रीवियसली, वट डू यू मीन बाई ऑटोट्रोप्स। सो ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोप्स मीन्स फीड और फूड। दैट मीन्स those organism who prepare their own food are comes under autotrophs. So here who prepare their own food, who get their food from others, who prepare their own food from photosynthesis. So what is the correct answer? Autotrophs है वो अपना food prepare करते हैं खुद से, means first question answer is right. Who prepare their own food and किसके through अपना food है prepare करते हैं, photosynthesis के through. So बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। सो योर करेक्ट आंसर इज डी। आफ्टर दैट वी टॉक, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। हिटरोट्रोप्स इन फूड चेन इज नोन एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्रीडेटर्स एंड नन। वी डिस्कस दिस पिरामिड प्रीवियसली। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, मीन्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सो प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रोप्स। आफ्टर दैट जो कंज्यूमर्स होते हैं हु डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स।
मीन्स हिटरोट्रोप्स, हिटरोट्रोप्स आर डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, सो हिटरोट्रोप्स आर कंज्यूमर. हियर योर करेक्ट आंसर इज कंज्यूमर. आफ्टर दैट विच वन फीड्स ऑन डेड एंड डिकिंग मटेरियल, इनमें से कौन है जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकिंग मटेरियल से लेते हैं. सो ऑटोट्रोफ्स अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं. होलोजोइक, होलोजोइक कॉम्प्लेक्स फूड है वो फीड, उस पर फीड करते हैं पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड है वो लेते हैं, गेट देयर फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स होस्ट. एंड सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स इज द करेक्ट